सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे अडानी पोर्ट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर टू के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आखिरकार स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है इसको लेकर, ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा भी यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड या आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम रही है वो क्या भी 7372 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में 8054 करोड़ की थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 6951 करोड़ की, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी जो इनकम आप लोग कंपेयर करोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो आप लोग देखोगे इंक्रीज हुई है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो हमें टूट हुए नजर आई है। इसके अलावा आप लोग देखोगे हाफ ईयर में इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है। इसके अलावा आप लोग देखोगे एक्सपेंस यानी जो कंपनी ने टोटल खर्चे किए हैं भाई, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो 4433 करोड़ के हैं, जो प्रीवियस में 4238 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4477 करोड़ के, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो इसके जो एक्सपेंस है ना वो क्वार्टर टू क्वार्टर तो इंक्रीज हुए हैं बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टूटते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा जो अब की बार जो इसका रिवेन्यू है ना भाई वो एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है, बट प्रॉफिट कितना चलिए देखते हैं। अभी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते तो भी प्रॉफिट फॉर द पीरियड लगभग 2412 करोड़ का बनाया, जो प्रीवियस में 3107 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1761 करोड़ का, यानी कि ईयर टू ईयर इसका प्रॉफिट टूटा है बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट है वो सॉरी ईयर टू ईयर बेसिस पर तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट है वो टूटते हुए नजर आया है। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो 11.32 का जो प्रीवियस में 14.41 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे 8.09 के आसपास का इसका अर्निंग पर शेयर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसकी जो एसेट्स वगैरह है यहाँ पर पॉज करके देख लेना वीडियो को, टोटल एसेट्स कैसी रही है पीछे के मुकाबले आप लोग देखोगे जो इसकी टोटल एसेट्स है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। और बोरोइंग वगैरह आप लोग देखोगे कंपनी के ऊपर जो डेट वगैरह है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, करीब जो डेट अब की बार हमें देखने को मिल रहा है वो देख सकते हो भी प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों जगहों पर से आप कंपेयर करो तो शॉर्ट टर्म में जो अभी शॉर्ट टर्म में तो इंक्रीज हुआ है बट लॉन्ग टर्म में कम होते हुए नजर आया है। तो इसके अलावा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये देखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख लेना भाई। अब बात कर लेते हैं इसका इंपैक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, चलिए मार्केट एस्टीमेट से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देखोगे अभी 11.32 का इसका अर्निंग पर शेयर आया है बट जो एक्सपेक्टेड था 11.53 का एक्सपेक्ट किया गया था, यानी एक्सपेक्टेड रिवेन्यू ईपीएस से आप लोग देखोगे भी कम आया, यानी कि बीट नहीं हुआ है। इसके अलावा इसका रिवेन्यू की बात करें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप लोग देखोगे 7067 करोड़ का और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था 7019 करोड़ का, यानी कि आप लोग देखोगे एक्सपेक्टेड रिवेन्यू से तो जो ना इसका बीट किया है बट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था इसका EPS वो यहाँ पर मिस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे भी हाल फिलहाल तो स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव संकेत हैं, हालांकि रिजल्ट्स पीछे के मुकाबले थोड़े से ख़राब आए हैं भाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।